सो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने फोन को रूट कैसे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह के मोबाइल को यूज कर रहे हैं, सैमसंग, वीवो, रियलमी, आप किसी भी तरह के मोबाइल को यूज कर रहे हैं तो आप अपने फोन को बिना किसी प्रॉब्लम के रूट कर सकते हैं। तो आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया था भाई मेरे पास सैमसंग, वीवो, रियलमी का फोन है तो उसको कैसे रूट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अपने फोन को रूट भी करेंगे और इसको रूट चेकर से भी चेक करेंगे कि मेरा फोन रूट हुआ या नहीं, और इसमें बताएंगे आज के इस वीडियो में कि हम आपको अपने फोन रूट करने के लिए क्या क्या चीज़ को आपके फोन में होना जरूरी है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी इसी रिलेटेड देखने को मिलता रहे। सो गाइस मेरा नाम है जुलू, आप देख रहे हैं टेक्निकल अपडेट चैनल को। चलिए आज इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करें ताकि आप भी इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके अपने फोन को रूट कर लें। सो गाइस आप इससे बहुत लोग क्या करते हैं वीडियो को स्किप कर देते हैं जिससे काम कि आप अपने फोन को रूट नहीं कर पा रहे। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है स्टेप बाय स्टेप ताकि आप भी इस वीडियो को पूरा समझ के अपने फोन को रूट कर लें। चलिए आज इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि अपने फोन को रूट करने के लिए चाहे आप किसी भी तरह का मोबाइल को यूज करते होंगे, सैमसंग, वीवो, रियलमी, तो आपको पहले अपने फ़ोन का बूट रोल को अनलॉक कर लेना है और साथ ही अपने फ़ोन में कोई भी रिकवरी को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि TWRP हो गया, ऑरेंज फॉक्स रिकवरी हो गया, आपके फ़ोन में कोई भी रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा फ़ोन रूट है या अनरूट है। यहाँ से पहले मैं कहता है रूट चेकर एप्लीकेशन को पहले यहाँ से इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ से मैं टाइप कर दूँगा रूट चेकर एप्लीकेशन, यहाँ से इसको कर लेंगे अपने फोन में इंस्टॉल। तो आपको यहाँ से इस वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है तभी अपने फोन को रूट कर पाएंगे। तो पहले मैं आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ पहले मेरा फोन रूटेबल है अनरूट है। तो पहले अपने फोन में इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद इसको कर लेंगे ओपन। तो ओपन करने के बाद यहाँ से मैं दिखाता हूँ मेरा जो फोन अभी रूटेबल है अनरूट है। यहाँ से मैं कर दूंगा आई में एग्री पे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको कर देना है स्टार्ट पे क्लिक। यहाँ से तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, तो आपको कर देना है वेरीफाई रूट पे क्लिक। यहाँ से सो गाइस क्लिक करने के बाद यहाँ देते हैं सॉरी रूट एक्सेस इज नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल ऑन डिवाइस। यहाँ देते हैं XM, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो है मेरा फोन का यहाँ पर मॉडल नंबर, और MX 2030 यहाँ मिल जाएगा, वर्जन 10 है मेरा भी। तो इसको अभी जो मैं देखते हैं अभी फोन मेरा रूटेबल नहीं है तो इसको रूट कैसे करना है। तो आपको यहाँ से करना क्या है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक देखने को मिल जाएगा जो कि होगा मैजिक्स मैनेजर का जिप फाइल लेटेस्ट वर्जन का। आपको उसको अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको वहाँ से अपने फोन को पहले पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ अपने फोन को रूट कैसे करना है। इसको कर देंगे इसको पावर ऑफ। सो गाइस पावर ऑफ करने के बाद आपको यहाँ से अपने फोन को जो है कस्टम रिकवरी मोड में पहले इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ से आपको अपने पावर बटन को और वॉल्यूम डाउन बटन को मतलब दोनों को एक बार ही प्रेस कर देना है। यहाँ से मैं दोनों करता हूँ प्रेस, यहाँ से मेरा जो है रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ से सर्वेट कर लेना है, आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से देखिए आपको यहाँ से जो है डाउन बटन जो है वॉल्यूम का आपको इसको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ से क्या रिकवरी मोड आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो शो होने के बाद आपको करना है इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो है रिकवरी मोड ओपन हो जाएगा। जैसे कि मेरा फोन में भी जो है ऑरेंज फॉक्स रिकवरी मैंने डाउनलोड कर रखा है जिससे कि हम अपने फोन को रूट करेंगे। यहाँ देखते हैं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी प्रोजेक्ट अब मेरा जो है वो भी ओपन हो गया है। तो आपको भी अपने फोन में अगर इसको इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप कमेंट में बोल दीजिए कि भाई मेरे फोन में इंस्टॉल नहीं है, मैं इस पर भी वीडियो बना दूँ कैसे अपने आपको अपने फोन में इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इसके बाद मेरा जो पासवर्ड है स्क्रीन लॉक का, यहाँ से मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। तो अगर आपका फोन का बूट रोल अनलॉक नहीं है तो आप कमेंट में जाकर बोल दीजिए कि भाई मेरा जो है फोन का बूट रोल अनलॉक नहीं है, तो आपको उस पर वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं मेरा फोन में भी जो है कस्टम रिकवरी मोड ओपन हो रहा है। तो आपको दिखाता हूँ कैसे आपको अपने फोन को रूट करना है बिना किसी प्रॉब्लम के। आप में से बहुत लोगों ने काफी सारे वीडियो में कमेंट करा था कि भाई मैं अपने फोन को रूट कैसे कर सकता हूँ। सो गाइस फाइनली आज वीडियो आ चुका है। देखते हैं आपको कुछ इस तरह का मतलब इंटरफेस होगा रिकवरी मोड में जाने के बाद। तो आपको यहाँ से मैजिक्स मैनेजर का जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। तो मेरा जब भी डाउनलोड फाइल में मैं जाऊँगा तो उसके बाद यहाँ देखते हैं आपको मिल जाएगा मेरे फोन में, यहाँ देखते हैं मैजिक्स मैनेजर, यहाँ पर जी फाइल मेरे को मिल गया। उसके बाद आपको कर देना है इस पर क्लिक। सो गाइस क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है फ्लैश। यहाँ से आपको कर देना है इस पर क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है इसको फ्लैश। पहले मैं आपको मेरा फोन अभी रिबूट हो चुका है, उसके बाद कर देंगे इसको फ्लैश। तो देखते हैं आपको कुछ इस तरह का मतलब इंटरफेस हो गया है मेरा जो फोन में अभी इंस्टॉल हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद कर लेंगे रिबूट, उसके बाद अपने पहले फोन को ऑन कर लेते हैं। सो गाइस आप इस तरह से कोई भी फोन को रूट कर सकते हैं, चाहे वो वीवो हो, सैमसंग हो, रियलमी हो, किसी भी तरह के डिवाइस को आप रूट कर सकते हैं। सो गाइस आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। सच में फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे भी इसी वीडियो देखने को मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।